Hello viewers, how are you? I have come with a new video on a future perfect continuous tense. It is a last but not least, ये आखिरी टेंस है लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है. यानी एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी में इसका जिक्र आया है लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है. इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी अगर आप ग्रामेटिकली स्पीकिंग में साउंड होना चाहते हैं और अपने हर एक वाक्य को अपने आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने बोलने में यूज करना चाहते हैं. हम बोलते हमेशा बातचीत करने में सहमते इसीलिए हैं क्योंकि हमें जो डायलॉग्स इंग्लिश में बोल रहे होते हैं उसके ग्रामर के प्रति डाउट पैदा हो जाता है. अगर आप ग्रामेटिकली साउंड होंगे तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ऐसे सेंटेंसेज जिनको हिंदी में बोलने पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर ख़त्म होते हैं और उसमें टाइम प्लस से जुड़ा होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं. ऐसे सेंटेंस जिनको हिंदी में बोलने पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, प्लस टाइम प्लस से आता है, वे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के होते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं. उसके साथ वर्ब एक्शन की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट आई अथवा वी होता है तो हम शैल हैव बीन ऑक्सिलरी लेते हैं. नकारात्मक सेंटेंस में शैल के बाद नॉट लग जाता है, फिर हैव बीन आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, यू, दे होता है या कोई नाम होता है तो हम विल हैव बीन ऑक्सिलरी लेते हैं. नकारात्मक सेंटेंस में विल नॉट हैव बीन ऑक्सिलरी लेते हैं, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. ये पहचान मिलने पर ऑक्सिलरियाँ ये रहेंगी, इनके साथ स्ट्रक्चर ये रहेगा. अब सिचुएशंस की बात कर लेते हैं. एक चीज़ तो इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये फ्यूचर की बात करता है. ये टेंस भविष्य में कोई काम सतत हो रहा होगा, इसीलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ये एडवांस टेंस की कैटेगरी में लास्ट में आ रहा है. यानी फ्यूचर परफेक्ट तक के टेंस तो बेसिक टेंस कैटेगरी में होते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एडवांस टेंस की कैटेगरी में आता है. इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. अब इसकी जो हिंदी पहचान हमने आपको बताई है उस हिंदी पहचान के साथ साथ आपका सिचुएशंस को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी पहचान हमेशा सत्य नहीं होती है. हिंदी पहचान आपको जल्दी से ग्रामर को ग्रैप करने के लिए बताई जाती है. सिचुएशन क्या है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस प्लस टाइम प्लस से. यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के साथ अगर टाइम प्लस से लग के आएगा तो वह सेंटेंस 99% उसके पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के होंगे. साथ ही साथ एनी रीजन ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यू एक्टिविटी, भविष्य में कोई घटना घटेगी उसके रीजन के रूप में जो वाक्य आता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हो सकता है. ठीक है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं कि भविष्य में कोई घटना सतत हो रही होगी. तो जो भविष्य में सतत घटना हो रही होगी वो किसी घटना के परिणाम स्वरूप हो रही होगी. ठीक है, तो एक रीज़न वो हो सकता है और एक हमारी भविष्यवाणी है कि भविष्य में ये काम सतत हो रहा होगा. 2025 में भारत 10% GDP से तरक्की कर रहा होगा, ये हमारी भविष्यवाणी है. कल पानी बरस रहा होगा, ये हमारी भविष्यवाणी है. आशा है आपको सिचुएशन समझ में आ गई होंगी. चलिए एग्जांपल्स लेते हैं. राम 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा इसलिए थक जाएगा. हमने राम को
किसी काम में लगाया, पढ़ाने के काम में लगाया, तो राम 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा इसलिए वह थक जाएगा, तो उसके बाद तुम पढ़ा देना। ये एक सिचुएशन है। तो हमने कहा राम 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, राम विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, सो ही विल बी टायर्ड, वो थक जाएगा। नेक्स्ट, हम अगले महीने से श्रीलंका में पढ़ा रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ हमारा श्रीलंका जाने का प्लान है और हम वहाँ पर टीचिंग का काम करेंगे, तो वी विल हैव बीन टीचिंग इन श्रीलंका फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रॉम। अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि सिंस शब्द का प्रयोग हम भविष्य के लिए नहीं कर सकते। सिंस पास्ट को जस्टिफाई करता है, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य कब शुरू होता है? पास्ट में। राम 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी जब ये डायलॉग बोला जा रहा है तब 2 बज चुके हैं, तो इस 2 बजे से पहले सिंस आ जाएगा, राम हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, राम 2 बजे से पढ़ रहा था, जब ये डायलॉग बोला जाएगा उससे पहले काम शुरू हो चुका था, तो इससे पहले भी सिंस आ जाएगा, राम हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, वो राम हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। लेकिन जब हम ये कहते हैं राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा, ये भविष्य की बात है और इस भविष्य के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फ्रॉम का। तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब भविष्य की बात आएगी तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और जब भूतकाल में कार्य शुरू हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर सेकंड्स आते हैं तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके लिए फॉर। मिनट आते हैं, आवर्स आते हैं, डेज आते हैं, वीक आते हैं, मंथ आते हैं, ईयर आते हैं, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है 9 o'clock, 9th ऑफ मई, 9th ऑफ मंथ, संडे, मंडे, मार्च 1947, या कोई भी सन हो, बर्थ, चाइल्डहुड, तो इन सब के लिए क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। फ्यूचर में फ्रॉम, पास्ट में सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फ्रॉम दोनों का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जो लोग सिंस बताते हैं वो गलत बताते हैं, लेकिन मेरा उनसे कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने जो भी इंडियन पब्लिश्ड बुक पढ़ी है उन सब में केवल सिंस का ही जिक्र है। मैंने भी अपने बचपन में जिन किताबों का अध्ययन किया उन सब में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस का जिक्र था। लेकिन डियर व्यूअर्स, आप ध्यान रखिए, मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र आता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपको सिंस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? फ्रॉम। दिस इज एडवांस मॉडर्न इंग्लिश विच आई एम टेलिंग यू, आई एम अपडेटिंग योर नॉलेज। ओके, लेट्स कम ऑन द बैक। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी भाषी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए तो करते हैं लेकिन कभी कभी पास्ट के लिए भी कर देते हैं, कि राम को बुलाओ, राम तो वहाँ खेल रहा होगा। अब राम वहाँ खेल रहा होगा, इसका मतलब कि हम जब डायलॉग बोल रहे हैं तो खेलने का काम हो रहा होगा या ख़त्म हो गया होगा। मैंने देखा मेरा छोटा भाई सो रहा है, मम्मी ने कहा रात में देर तक पढ़ रहा होगा इसीलिए सो रहा है। तो पास्ट में किसी ने कोई काम कंटिन्यू किया उसकी भी हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाता है। वक्ता अगर उस घटना के बारे में कि वो घटना पास्ट में कंटिन्यू घटी होगी उसका चश्मदीद गवाह है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसका चश्मदीद गवाह भी नहीं है,
अंदाजे से बता रहा है। मम्मी ने अंदाजे से बताया कि छोटू रात में देर तक पढ़ रहा होगा इसीलिए सो गया। तो रात में देर तक पढ़ रहा होगा जो कि हमें फ्यूचर के लिए यूज़ करना चाहिए, मम्मी ने पास्ट के लिए यूज़ किया। तो अगर रहा होगा आता है पास्ट के सेंस में, ये तो बोलने वाले के आईक्यू पे निर्भर करता है कि वो इस चीज़ का भास ले कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हमेशा भविष्य के लिए होगा, कभी पास्ट के लिए नहीं होगा। लेकिन हमारा हिंदी वाक्य जो है उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है और लेकिन पास्ट के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसी घटना के प्रति अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं मम्मी कि हमेशा वो रात में देर तक पढ़ता है और सुबह सो जाता है इसीलिए वो सो गया, तो हम मस्ट हैव बीन, मम्मी क्या कहेंगी, ही मस्ट हैव बीन रीडिंग टिल लेट नाइट सो ही स्लेप्ट। वह देर रात तक पढ़ रहा होगा इसीलिए सो गया। तो ही मस्ट हैव बीन, जब मम्मी 80% कॉन्फिडेंट हैं, वो अक्सर ऐसा करता है और मम्मी इस चीज़ को जानती हैं, तो मम्मी ने आज, जबकि मम्मी ने रात में उसको पढ़ते हुए नहीं देखा लेकिन मम्मी ने अक्सर देखा है वो देर रात तक पढ़ता रहता है, तो मम्मी कहेंगी ही मस्ट हैव बीन रीडिंग टिल लेट नाइट सो ही स्लेप्ट। इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस लग रहा है वो किसका लग रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का, सो ही स्लेप्ट। अगर मम्मी 50% कॉन्फिडेंट हैं तो मम्मी क्या बोलेंगी, ही मे हैव बीन रीडिंग टिल लेट नाइट सो ही स्लेप्ट। अगर मम्मी को लगता है कभी टीवी देखता है, कभी फ़ोन पे बात करता है, कभी मोबाइल सर्फिंग करता है, तो मम्मी कहेंगी ही माइट हैव बीन स्लीपिंग, शायद वो देर रात तक पढ़ रहा होगा इसीलिए सो गया। ही माइट हैव बीन स्लीप रीडिंग टिल लेट नाइट सो ही स्लेप। तो ये जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है ये इसीलिए मैंने आपको दिया है कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पास्ट के लिए भी आ जाता है, तो उस जगह पर हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एक और चीज़, नो स्टेटिव वर्ब्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दिस इज ब्लंडर, ये एक बड़ी गलती है। वह आपको बच वह आपको 2022 से जान रहा होगा, ही विल हैव बीन नोइंग यू फ्रॉम 2022। नो की आईएनजी फॉर्म नहीं बनानी है, ही विल हैव नोन यू फ्रॉम 2022, ठीक है, इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देना है। स्टेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनका एक्शन दिखाई नहीं देता, दो प्रकार की वर्ब्स होती है, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना सोना, और स्टेटिव वर्ब्स पसंद करना, नापसंद करना, महसूस करना, घृणा करना, प्यार करना, समझना, चाहना, जानना, इन क्रियाओं में एक्शंस नहीं होते, ये मेंटल वर्ब्स हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, तो इन क्रियाओं का आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, तो इन क्रियाओं से युक्त, किन क्रियाओं से, स्टैटिक क्रियाएं, मेंटल क्रियाएं, मानसिक क्रियाओं से युक्त सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे। सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट की ऑक्सिली लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि फ्यूचर परफेक्ट में लगती है उसका प्रयोग करेंगे। वह मुझे 2022 से जान रहा होगा, हिंदी वाक्य अगर ऐसा है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव नोन मी फ्रॉम 2022। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो
This was a video based on the future perfect continuous tense. I hope you must have got all those things which we have discussed in this video. If you have any problem, agar aapko koi problem hai, if you have any suggestion, agar aapke paas koi sujhav hai, video aur channel ko aur behtar karne ka, to aap mujhe comment box mein mention kar sakte hain. Agar aapki koi pareshani hai, koi query hai, to bhi aap mention kar sakte hain. मैं उसका जवाब दूंगा और उस चीज़ को अगर सुझाव है तो मैं अपने वीडियोस में उसको लेकर आऊंगा. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत.